प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के हिंदी विषय में आज पहला अध्याय डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित याचना नामक कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, करुणामय इस शुष्क हृदय में भर दो सरस सुधा धारा, मेरे भाग्य गगन में चमके मेरी उन्नति का तारा, मेरे तन के रोम रोम में शक्ति सिंधु हो लहराता, में सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता, श्रमणों में गुंजित हो जाए अविरत मधुर विश्व संगीत, सदा दूसरों के ही हित में यह जीवन समुद्र हो व्यतीत, मेरे मानस में खिल जाए नलिनी सम पद भक्ति अनूप, ओष्ठों में गूंजे यश गायन द्रग में रुचिर तुम्हारा रूप, हम न तुम्हें भूलेंगे प्रभुवर करते नित्य तुम्हारा ध्यान, तुम भी हमें भुला मत देना यही मांगते हैं वरदान। देखिए, करुणामय इस शुष्क हृदय में भर दो सरस सुधा धारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि हे दयालु ईश्वर मेरे इस सूखे हृदय में रस से भरी हुई अमृत की धारा भर दो। हे दयालु ईश्वर मेरे इस सूखे हृदय में रस से भरी हुई अमृत की धारा भर दो, मेरे भाग्य गगन में चमके मेरी उन्नति का तारा, जिससे मेरे भाग्य रूपी आकाश में मेरी उन्नति का सितारा चमकने लगे, जिससे मेरे भाग्य रूपी आकाश में मेरी उन्नति का सितारा चमकने लगे, मेरे तन के रोम रोम में शक्ति सिंधु हो लहराता, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में समुद्र के समान शक्ति लहरा उठे, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में समुद्र के समान शक्ति लहरा उठे, दिव्य रूप में सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता, और प्रतिदिन भारत माता एक अलौकिक रूप में सजी रहे, और प्रतिदिन भारत माता एक अलौकिक रूप में सजी रहे, श्रमणों में गुंजित हो जाए अविरत मधुर विश्व संगीत, सदा दूसरों के ही हित में यह जीवन समुद्र हो व्यतीत, मेरे कानों में विश्व का वह मीठा संगीत गुंजायमान हो उठे और मेरा जीवन सदैव दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत हो, और मेरा जीवन सदैव दूसरों की भलाई करने में ही व्यतीत हो, मेरे मानस में खिल जाए नलिनी समपद भक्ति अनूप, ओष्ठों पर गूंजे यश गायन द्रग में रुचिर तुम्हारा रूप, और मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति अनुपम कमल के समान खिल जाए, और मेरे हृदय में आपके चरणों की भक्ति अनुपम कमल के समान खिल जाए, मेरे होंठ तुम्हारा ही यशगान करें और आँखों में तुम्हारा ही रूप समाया रहे। हम न तुम्हें भूलेंगे प्रभुवर करते नित्य तुम्हारा ध्यान, तुम भी हमें भुला मत देना यही मांगते हैं वरदान। हम हे ईश्वर हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, हम तो प्रत्येक क्षण तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे ईश्वर हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, हम तो प्रत्येक क्षण तुम्हारा ध्यान करते हैं, और तुम भी हमें कभी न भुलाना, हम तुमसे यही वरदान मांगते हैं। प्यारे बच्चों, इसी कविता को पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। धन्यवाद।